बच्चे का दिमाग खराब कर रखा है, बच्चे को पास कोई पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हम बात करेंगे लव जिहाद की, जिसका जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। मुंबई की एक पूर्व मॉडल ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया, धर्म परिवर्तन की बात भी कही गई। मतलब जिस लव जिहाद ने कुछ दिन पहले केरल में कोहराम मचाया, अब वही लव जिहाद मुंबई में चर्चाओं में है। तो मुंबई की एक मॉडल ने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई है, अपने पति आसिफ की हैवानियत की हकीकत सबके सामने रख दी। लव जिहाद की हकीकत पर बहस के बीच मुंबई की एक पूर्व मॉडल ने अपने ही पति पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। अभी आज टॉक्स के आने के बाद इन्होंने वापस मारा है, टॉक्स ने तो मना किया हुआ जो भी अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले एक बोतल लिया था, जो भी हाथ में आएगा बोतल लेके मार देंगे, मेरा बच्चा नहीं दिखता है। 2005 में आसिफ के साथ शादी करने वाली रशिम शाहबाज कर ने अपने ही पति पर मारपीट के साथ साथ बेटे को किडनैप करने का भी आरोप लगाया है। बारह साल से शादी के नाम पर वनवास काट रही रशिम को रोज पीटा जाता है। आसिफ अपने साथियों को बुलाकर धर्म को अच्छे से फॉलो करने का दबाव भी बनाता है। एक दूसरा आदमी को भी बुलाया, मुनीफ करके लड़का है, उसको भी बुलाया है, वो मेरे को आके मैसेजेस भेजता रहता है कि तुम इस्लाम फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करो। सालों पहले लव मैरिज करने वाली रशिम की आंख में आज आंसू है, जिस्म पर मार के निशान है, चोट से निकला खून सूख चुका है, लेकिन दिल पर लगा एक एक जख्म हरा है। लव जिहाद को लेकर देश भर में बहस चल रही है, लव जिहाद के वजूद पर भी चर्चाएं हो रही है, लेकिन रशिम की कहानी ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या वाकई लव जिहाद चल रहा है? क्या लव जिहाद के नाम पर महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई ग्रुप काम कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश काफी समय से हो रही है, लेकिन बहस और चर्चाओं के बीच अभी तक लव जिहाद की परिभाषा और वजूद दोनों पर बस बहस ही हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। मामला वाकई बेहद गंभीर है कि भारत जैसे देश में लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अक्टूबर का मामला अभी लोग भूले नहीं थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, उसके बाद एक और मामला सामने है। करीब करीब रोजाना इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। कुछ मामले वो भी हैं जो मीडिया तक नहीं पहुंचते, लेकिन मीडिया तक जो बातें पहुंचती हैं वो बेहद गंभीर हैं। धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। जाकिया सोमन है हमारे साथ, मुस्लिम एक्टिविस्ट फोन लाइन पर जुड़ी हैं, जिन्होंने तीन तलाक को लेकर भी पूरी लड़ाई लड़ी है। खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। जाकिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, पूर्व मॉडल ने मुंबई में जो आरोप लगाए अपने पति पर कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, लव जिहाद का ये मामला सामने आया, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपके? देखिए, जो मामला जो मीडिया में जो सामने आया है, तो ये महिला के साथ जो हो रहा है ये पूरी तरह से गलत है।
और इसमें बहुत सारे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। हाँ। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए। महिला का स्वयं अपना मन जो होगा उसके मुताबिक करने का उसका पूरा पूरा संवैधानिक अधिकार है। और उनके साथ जो मारपीट वगैरह जो हुआ है, उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो कानून है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। और जहां तक इस्लाम मजहब की बात है, उसके अंदर भी ये बिल्कुल साफ साफ है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म के मामले में किसी के साथ बल जबरी आप नहीं कर सकते, किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हर एक को अपना अपना मजहब पालने का पूरी तरह से अधिकार है, संविधान की रोशनी में अधिकार है। जी, एक बार के लिए रुकी आएंगे आपके पास, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जहां भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो भारतीय सेना ने 5 आतंकियों को ढेर किया है, सीधे तौर पर एक और कामयाबी, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन अलाउट चलाया जा रहा है, लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है और आंकड़ा भी है वो भी काफी बड़ा है, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। साथ ही सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार भारतीय सेना की कोशिशें हैं कि घुसपैठ का खात्मा कर दिया जाए। ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया गया है, उसके बाद बातें ये भी हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकी बौखलाए हुए हैं। लगातार कमोबेश रोजाना इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर से, जहां आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन भारतीय जवान, भारतीय सुरक्षा बल लगातार चौकन्ना अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगे हैं, अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से तैनात हैं और उस तरह की कामयाबी हासिल की जा रही है। तो एक और बड़ी कामयाबी, भारतीय सेना के नाम 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकियों को ढेर किया गया। चलिए बात करेंगे लव जिहाद की। जाकिया सोमन है हमारे साथ, मुस्लिम एक्टिविस्ट लगातार फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोमन जी, आपसे ये जानेंगे क्या कारण है कि इस तरह की मामले निकलकर बार बार सामने आते हैं, क्या किसी तरह का खौफ नहीं लोगों में? जाकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए फिर से जुड़ेंगे उनसे, जानेंगे कि बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, कानून खुद दखल दे चुका है इस तरह के मामलों में, और सामाजिक संगठन खुद आवाज उठाते हैं, पीड़िताएं भी निकलकर लगातार सामने आती हैं, कहां तार जुड़ते हैं इस तरह के मामलों के? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी है? क्या लव जिहाद के पीछे किसी तरह की सियासत भी है? क्या किसी आतंकी संगठन से भी तार जुड़ सकते हैं? क्योंकि इन तमाम पहलुओं को नकारा नहीं जा सकता इस तरह के मामलों में, कि शादी की जाती है, शादी के बाद दबाव बनाया जाता है, खासतौर पर मुस्लिमों को लेकर ये खबरें जो सामने आ रही हैं कि मुस्लिम धर्म आप अपनाइए, जो कि पूर्व मॉडल है मुंबई के, उनका आरोप है कि 2005 में शादी हुई, उसके बाद लगातार प्रताड़ित किया गया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, साथ ही अपने दोस्त को भी जो आरोपी पति है वो साथ लेकर आने लगा, उसे समझाया जाने लगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की पूरी परिभाषा क्या है, उसका अनुसरण किस तरह से किया जा सकता है। तो धर्म के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह का व्यवहार क्यों और कब तक? तो ये कोई पहला मामला नहीं है जिसने लव जिहाद के मुद्दे को हवा दी हो, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर महीने में केरल की अखिला का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लव जिहाद कोई आज का मुद्दा नहीं है, 2014 के चुनाव में लव जिहाद पर खूब घमासान हुआ था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते सुनाई दिए थे कि एक हिंदू बालिका के बदले 100 मुस्लिम बालिकाओं को लेकर आएंगे। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू बालिकाओं। लव जिहाद की हकीकत क्या है ये तो नहीं पता,
लेकिन कुछ दिन पहले केरल में अखिला से हदिया बनी एक महिला का मामला खूब गरमाया था। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। इसके अलावा भी गाहे बगाहे बहुत से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जो लव जिहाद के मुद्दे को हवा देते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर लव जिहाद है क्या? लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। पहले जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि लव जिहाद होता है। अखिला ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह किया था। आतंकवादी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी को अखिला उर्फ हादिया और शफीन के प्रेम विवाह में लव जिहाद और टेरर कनेक्शन का जिम्मा सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो भी गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। मतलब लव जिहाद का मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में लव जिहाद को लेकर चल रही बहस को एक नया मोड़ मिला है और उसी मोड़ को मुंबई की रश्मि के केस ने नई मंजिल की ओर घुमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये खबर बेहद परेशान करने वाली है कि इस तरह के मामले रुकते नहीं हैं। साध्वी प्राची हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ी हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। साध्वी जी, जो मामला निकलकर सामने आया है मुंबई से, जहां पूर्व मॉडल रश्मि अपने पति पर आरोप लगाती हैं कि लव जिहाद उनके साथ हुआ, क्या लगता है, कारण क्या है, कोई राजनीति है या किसी और तरह का कोई पहलू हो सकता है? देखिए, ना इसमें राजनीति है मैं समझती, ना ये आरोप है। जी, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है और मैं समझती हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही है, जब तक इन पर कठोर कानून नहीं बनेगा, हाँ, तब तक बात नहीं बनेगी। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, जबरदस्ती उस लड़की को टॉर्चर करना, जबरदस्ती उसे अपने धर्म से, अपने मुस्लिम धर्म में उसको लेके आना, ये तो सरासर अन्याय है। जी। और इस अन्याय के खिलाफ ही साध्वी प्राची लड़ाई लड़ती है। हाँ। मैं इस मॉडल के साथ हूँ, अगर इसको किसी भी तरह की मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूँ, इसका हर तरह से साथ दूंगी। आपको लगता है इस तरह के मामलों में बयानबाजी जो की जाती है वो मामलों को बढ़ावा देती है, फिर किसी भी धर्म से किसी तरह की बयानबाजी दी जाए भड़काऊ? नहीं, कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता। जी, एक लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है, एक लड़की को जबरदस्ती उसको वो धर्म परिवर्तन किया जा कराया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये इसमें भड़काऊ क्या हो गया? हाँ। उसके साथ खड़े होनी चाहिए, उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए समाज की, और ठीक है, उसको साथ देना चाहिए। हाँ। क्या लगता है, ये उत्पीड़न है? खैर, ये भी बड़ा पहलू है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन धर्म की हम बात कर रहे हैं, क्या कोई आतंकी मकसद या किसी और तरह का मकसद हो सकता है इस तरह के मामलों के पीछे? देखिए, ये लव जिहाद है और ये मुस्लिम धर्म में इनकी एक तरह से बोली लगती है कि ये राजपूत लड़की लेके आओगे तो 1 लाख मिलेगा, वैश्य की लड़की लाओगे तो 5 लाख मिलेगा, इस तरह के इनकी योजनाएं ये तैयार होती है और उस योजना के तहत ये हिंदू लड़कियों को पहला फुसला करके, हाँ, इनको टॉर्चर करते हैं, इनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं, उनको धर्म परिवर्तित कराते हैं, ये इनकी योजना होती है। जी, आपको क्या लगता है इस तरह के मामलों में किस तरह के कानून की जरूरत है साध्वी जी?
कड़े से कड़े कानून की जरूरत है, जो इस तरह से जबरदस्ती किसी हिंदू लड़की का जबरन गर्भ परिवर्तन कराए तो उसको कड़े से कड़ा कानून बनाकर के सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि आप रश्मि की मदद करेंगी, तो किस तरह की मदद आपकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि मामला जो है आरोप गंभीर लगे हैं कि मारपीट भी की जाती है, इस्लाम सिखाए जाने की कोशिशें की जाती हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिशें की जाती हैं। मैं अगर वो उसे जरूरत है और मेरी मदद लेना चाहती है तो वो मेरे पास आए, खुल करके मैं उसका साथ दूंगी। जिस तरह से भी जबरदस्ती उसके साथ टॉर्चर किया गया तो मैं उसको सजा दिला करके मानूंगी। जी ठीक है, अगर एक ही मामले की बात ना करें प्राची जी, आप ये बताइए जो ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं इस तरह के, क्या किसी का राजनीतिक लाभ भी है इन मामलों के पीछे कि आप बयान देंगी, कोई और बयान देगा, किसी तरह का ध्रुवीकरण किया जाएगा? जी ये इस तरह की सोच राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, राजनीति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अपने धर्म के लिए अपने धर्म के रक्षा के लिए इस तरह के हमें कदम उठाने चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं इसमें कुछ भी काम करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपने भी हालांकि कहा, आपको भी ध्यान होगा कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों को आई लव यू बोले, हिंदू लड़कों के साथ शादी कर ले, ये जो बातें हैं वो इस तरह के मामलों पर प्रभाव डालती हैं किसी तरह का, धर्म को लेकर सेक्युलर जो एक कंट्री है, धर्म निरपेक्ष जो एक राष्ट्र है। कहा था जी, कायम हूं इस बात पर, मैंने कहा था, आज भी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुस्लिम धर्म में मुस्लिम महिलाओं का शो जी साथी जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनसे जानेंगे, क्योंकि ये पहलू जो है वो काफी बड़ा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, इन तमाम बातों को खारिज नहीं कर सकते कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिक्रियाएं भी दी जाती हैं, बयानबाजी कर ली जाती है, बातें मंच से कह दी जाती हैं, जो पूरा देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं उन पर क्या इफेक्ट उन बातों का पड़ता है, किस तरह का प्रभाव उन बातों का रहता है, साथ ही क्या आतंकी मकसद किस तरह का हो सकता है, क्योंकि परिभाषा हमने आपको पूरी बताई कि जेहाद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही उसका ये है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए जान लगा देना। तो लव जिहाद का ये मामला सामने आया है मुंबई से, जहां एक पूर्व मॉडल ने आरोप लगाए हैं। खास बात ये है, जिस पर ध्यान दीजिएगा, कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके ये मामले सामने आ रहे हैं, कितने ही मामले वो हैं जो प्रकाश में ही नहीं आते। तो ना आप आंकड़ों को आधारित इन बातों से या इन खबरों से कर सकते हैं कि आंकड़े कम है ज्यादा है, मामले कम हुए ज्यादा हुए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मीडिया में सामने नहीं आती। ये मामला सामने आया है, इसके बाद किस तरह की सियासत होगी, क्या किसी तरह का बदलाव होगा, इन सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चे का दिमाग चलते रहता है, बच्चे को कोई पैसा नहीं है।